गुड मॉर्निंग क्लास वन, आज हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कक्षा में पहले पढ़ भी चुके हैं, आज पुनः हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, ये क्या है? ये एक तोता है। तोते का रंग कैसा होता है? तोते का रंग हरा होता है। और इसकी चोंच कैसे होती है? इसकी चोंच लाल रंग की होती है और या आगे से मुड़ी हुई होती है। आपने देखा है? चलिए हम तोते का हिज्जा करते हैं। त में ओ की मात्रा, तो त अकार ता, तोता। आप मेरे साथ पढ़िए। त में ओ की मात्रा, तो त अकार ता, तोता। बच्चों, या किसका चित्र है? या मोर का चित्र है। क्या आप लोगों ने कभी नाचते हुए मोर को देखा है? वे कितने अच्छे और कितने ही सुंदर दिखते हैं। माँ में ओ की मात्रा, मो र, मोर। आप फिर से मेरे साथ पढ़िए। माँ में ओ की मात्रा, मो र, मोर। बच्चों, ये क्या है? ये कोट है। इसे हिंदी में अचकन भी कहते हैं और कोट भी कहते हैं। क में ओ की मात्रा, कोट, कोट। आप पुनः मेरे साथ बोलिए। क में ओ, कोट, कोट। बच्चों, ये क्या है? ये किसके चित्र है? ये सोने के चित्र है। सोना का दो अर्थ होता है। एक होता है नींद वाला सोना और दूसरी होता है एक बहुमूल्य वस्तु जिसे हम गहने बनवाते हैं और पहनते हैं। सामे ओ की मात्रा, सो ना अकार ना, सोना। आप पुनः मेरे साथ बोलिए। सामे ओ की मात्रा, सो ना अकार ना, सोना। बच्चों, आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में देखिए, ये कौन लोग हैं? ये लोगों की भीड़ है और आदमी को ही लोग कहा जाता है। चलिए हम लोग का हिज्जा करके पढ़ते हैं। ला में ओ की मात्रा, लो ग, लोग। पुनः मेरे साथ बोलिए। ला में ओ की मात्रा, लो ग, लोग। बच्चों, ये क्या है? ये एक तोप है जो कि यह पुराने डिजाइन का है, पुराने तौर तरीके से बनाया हुआ है। जब लड़ाइयाँ होती थी पहले के समय में, तब इसे व्यवहार में लाया जाता था। आप इसके नए मॉडल आ गए हैं और इसका डिजाइन अलग है। चलिए हम तोप का हिज्जा करते हैं। ता में ओ की मात्रा, तो प, तोप। फिर से बोलिए। ता में ओ की मात्रा, तो प, तोप। बच्चों, यह किसका चित्र है? यह एक टोपी का चित्र है। इसे आप लोग पहनते भी हैं। आप लोग अधिकतर कब इसे पहनते हैं? आप लोग अधिकतर इसे गर्मियों के मौसम में पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं? क्योंकि टोपी हमें धूप से बचाता है। चलिए हम टोप
कॉपी का हिज्जा करते हैं। ता में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी ई की मात्रा पी टोपी। पुनः बोलिए, ता में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी ई की मात्रा पी टोपी। बच्चों ये क्या है? ये कोयला है। आप लोगों ने कभी कोयला देखा है? पहले के जमाने में अर्थात पहले के समय में कोयला के द्वारा ही रेल चलती थी और आज भी कहीं कहीं कोयले से ही ट्रेन की इंजन चलती है, जैसे टॉय ट्रेन। और इसे जलावन के काम में भी लाया जाता है। चलिए आप मेरे साथ साथ कोयले का हिज्जा करके पढ़िए। का में ओ की मात्रा को य ला अकार ला, कोयला। पुनः बोलिए, का में ओ की मात्रा को य ला अकार ला, कोयला। बच्चों ये क्या है? ये एक घोड़ा है। आप लोगों ने घोड़ा देखा है? घोड़ा किस काम में लाया जाता है? घोड़े को प्रतियोगिता में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है और इसमें सामान भी ढोया जाता है और इसे लड़ाइयों में भी उपयोग किया जाता है। घा में ओ की मात्रा घो अड़ा अकार घोड़ा। घा में ओ घो अड़ा अकार घोड़ा। बच्चों ये कौन है? ये चोर है। चोर कब आता है? जब सब सो जाते हैं तब चोर चोरी करने के लिए आता है। और वह क्या चोरी करके ले जाता है? चोर हमारे घर के सामान और पैसे चोरी करके ले जाता है। चा में ओ की मात्रा चो र, चोर। पुनः बोलिए मेरे साथ, चा में ओ की मात्रा चो र, चोर। बच्चों ये क्या है? ये कौवा है? जी नहीं, ये एक कोयल है। कोयल का रंग भी कौवे की तरह काला होता है, लेकिन कोयल की बोली बहुत ही सुरीली और मीठी होती है। कोयल की बोली सभी की मनों को जीत लेती है। का में ओ की मात्रा को य ला, कोयल। का में ओ की मात्रा को य ला, कोयल। थैंक यू।